प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिटनेस वीडियो आने के बाद पूरे देश में फिटनेस को लेकर सभी विभागीय अधिकारी और राजनेता एक दूसरे को फिटनेस को लेकर चैलेंज करने में लगे हुए हैं। सबसे पहले सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने फिटनेस का वीडियो जारी किया। फिर ये सिलसिला शुरू हुआ और विराट कोहली ने प्रधानमंत्री को फिटनेस का चैलेंज कर दिया। इसके जवाब में कुछ दिनों पूर्व ही प्रधानमंत्री ने भी अपना फिटनेस का वीडियो जारी करते हुए सभी विभागों के अधिकारियों और आमजन को फिट रहने का संदेश दिया। इसी के तहत उच्च शिक्षा मंत्री किरण महेश्वरी ने भी अपना फिटनेस का वीडियो जारी करते हुए मुख्यमंत्री को चैलेंज दिया। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश में संदेश दिया कि अगर हमारा देश के सारे जनता स्वस्थ रहेगी तो ये देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा, और इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए हम फिट तो भारत फिट का अभियान चल रहा है। इस अभियान में मैं यही कहूँगी कि हम सब अपने जीवन के अंदर इस बात को निश्चित रूप से रोज़ाना सुबह व्यायाम करना है, ध्यान करना है, योग करना है, इस अभ्यास को बराबर चलाते रहें। और इसी में मैं आज राजस्थान की मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी से भी ये निवेदन करूंगी कि वो भी जो अपना रोज़ाना योग करते हैं उस वीडियो को शेयर करें राजस्थान की जनता को, ताकि वो उससे प्रेरणा ले सके। इसी तरीके से मेवाड़ घराने से लक्षराज सिंह जी को भी मैं कहूँगी कि वो भी अपने स्वास्थ्य के लाभ जो लेते हैं, जो योग करते हैं, उसके वीडियो को वो शेयर करें, ताकि पूरे मेवाड़ की जनता भी इस बात से प्रेरणा ले सके। आज यही हम सब चाहेंगे कि हम सब इस अभियान में जुड़ें, हम फिट तो भारत फिट। और वहीं मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर किरण महेश्वरी का चैलेंज भी स्वीकार कर लिया। फिटनेस का सिलसिला पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है। इन सब में सबसे ज्यादा आवश्यकता फिटनेस की अगर नजर आती है तो वो है पुलिस महकमा, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अपराधियों को पकड़ने से लेकर भागदौड़ में अधिकारियों का फिट होना बेहद जरूरी है। इसे लेकर जयपुर पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश के सभी आईपीएस अधिकारियों को फिट रहने के वीडियो जारी करने के निर्देश जारी किए गए। इसी के तहत प्रदेश डीजीपी ओपी गल्होत्रा सहित अनेकों आईपीएस ने फिटनेस वीडियो शेयर किया। अलवर में भी पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश ने भी अपना फिटनेस वीडियो जारी किया है।